ये दोस्तों भाई है और यहाँ पर यह सो रहा है। हेलो दोस्तों, तो दिन के बज चुके हैं 12। तो दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला ब्लॉग दिखाने वाला हूँ। अपने गांव का एक ऐसी जगह आपको दिखाने वाला हूँ, भयानक जगह जिसको आप बोल सकते हैं एसी से भी ठंडा रूम, एसी से भी अधिकतर मैं बोल सकता हूँ ऐसा रूम आपको मैं एक ऐसी जगह दिखाऊँगा। दोस्तों ब्लॉग के अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों स्वागत करते हैं आपका मेरे नए ब्लॉग में और मेरा नाम है महेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पहाड़ी ब्लॉगर रावल। और मैं इस अपने छोटे से गांव हटवाल जो कि पड़ता है पोंटा तहसील में, अम्बोया के नियर बाय में एक छोटा सा गांव है, इस खूबसूरत गाँव से मैं करता हूँ आपका बहुत बहुत स्वागत। तो दोस्तों ब्लॉग की करते हैं शुरुआत। हमारे गांव में एक ऐसी जगह है जहां पर चाहे कितनी भी गर्मी होगी वहां पर जाकर आपको जो है रजाई या कम्बल लाकर ज़रूर आना पड़ेगा। अगर आपने वहां पर रेस्ट करना है, सोना है, तो आपको वहां पर कम्बल की तो ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर आप ऐसे ही सोओगे तो शायद दोस्तों गर्मी का महीना होगा, चाहे जितनी भी गर्मी होगी आपको जो है उसके अंदर ठंड लगने वाली है। तो मैं बहुत पहले से जो है आपके सामने इसको प्रस्तुत करना चाहता था लेकिन दोस्तों टाइम नहीं लग रहा था थोड़ा, तो दोस्तों आज मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों मैं जा रहा हूं अब उस गुफा के पास, मैं आपको नज़दीक से दिखाऊंगा दोस्तों। और अभी जो है बरसात का मौसम है तो रास्ता भी अभी नहीं दिख पाएगा दोस्तों, ऐसा कुछ गुफा का बाहर से नज़ारा देखने को मिलता है। दोस्तों एक ख़ास बात यह है कि ठंडा का रीज़न ये भी होता है कि जब भी बारिश होती है तो इसके ऊपर जितनी भी इसकी छत है वहाँ से पानी टपकना स्टार्ट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं जहाँ पर इतनी अधिक नमी होगी तो क्यों ना वह जगह ठंडी ना रहे। तो दोस्तों अब मैं आपको इसके अंदर लेकर चलता हूँ। बाहर से तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये कितना छोटा लग रहा है दोस्तों, इतना अमेजिंग। और दोस्तों आप ये मत समझिए बहुत छोटा है, मैं अभी जो है खड़े खड़े जो इसके अंदर जा रहा हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको। तो यह ऐसी वैसी गुफा नहीं है दोस्तों, बहुत ही बड़ी गुफा है और मेरे हिसाब से जिसको घर से भगा दे वो यहाँ पर अच्छे से रह सकता है और उसको छत लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों और बहुत ही अंदर तक यह गुफा है, मैं आगे जा कर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मेरा एक छोटा भाई है, अभी शायद आपको फ़ोन की लाइट दिख रही होगी, दिखाना लाइट दिखाना। ये देखिए दोस्तों फेस में लगा, ये दोस्तों भाई है और यहाँ पर यह सो रहा है बहुत ही। और दोस्तों मैं आपको आगे भी दिखाता हूँ, आगे जो है हमको लाइट लगानी पड़ी। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है सोने के लिए, और यहाँ पर दोस्तों वैसे थोड़ा सांप वगैरह का भी डर रहता है लेकिन दोस्तों बहुत ही अच्छी आप हमारे लिए भी यह जगह है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे लगता है यहाँ पर चमगादड़ भी आया हुआ है, थोड़ा खतरा भी है दोस्तों, पर क्या करें अभी ये लाइट में आया है दोस्तों। तो यहाँ से आप बाहर का एरिया दोस्तों देख सकते हैं कितना दूर मैं अभी आया हूँ, ये है भाई। और दोस्तों देखिए कितनी बड़ी गुफा दोस्तों हमारे गांव में है और हम जो है खुश नसीब मानते हैं खुद को, गर्मी चाहे दोस्तों कैसी भी हो हम जो है अपने आप को खुश नसीब मानते हैं ऐसी जगह जो आई है। और यहाँ पर हमें गर्मी का जो मौसम होता है अच्छे से काट लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैं अभी गुफा के अंदर बैठा हुआ हूं, अभी अंधेरा है, जैसे ही कोई बाहर से आता है तो दोस्तों वह एक झटके में नहीं देख पाता है, उसको कुछ टाइम यहां पर बैठना पड़ेगा और उसको अच्छे से धीरे धीरे दिखाई देगा, क्योंकि बाहर से लाइट से आते हुए अंदर जब आप अंधेरे में आओगे तो कुछ भी दिखाई नहीं देता, चाहे इसके अंदर जानवर बैठा हो। एक बार की बात आपको बताता हूँ, हम अंदर जो है बैठे हुए थे और बाहर से एक बंदा हमारा भाई आता है और बाहर से ही वापस चला जाता है, ये सोचता है कि यहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन हम उसको आवाज़ लगा कर जो है वापस बुला लेते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एकदम जैसे ही अंदर आते हैं तो कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो दोस्तों अब मैं बाहर की ओर जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं दोस्तों फ़ोन की लाइट से मैंने आपको दिखाया और बहुत ही बड़ी मुझे लगता है ये तो कम से कम 20 बाई 20 बाई 20 की। और हमारे सामने एक भाई आने आ गए हैं। दोस्तों क्या होता है कि दिन में घर में लाइट नहीं है और ये देखना शर्मा के वापिस चले गए। आजा यार कुछ नहीं है, नॉर्मल है सिर्फ, वो आजा अंदर है बंदा बैठा हुआ है, आजा आजा कुछ नहीं है। तो दोस्तों क्या होता है कि घर में अभी लाइट नहीं थी तो बहुत ही गर्मी आजकल होती है, बेशक दोस्तों सावन के महीने में बारिश होती है, पकड़ना बारिश होती है, इसके बावजूद भी गर्मी जब लगती है तो बहुत ही ज़्यादा उमस वाली गर्मी जो है घर में लगती है।
और आप देख सकते हैं ये हमारे धर्मेंद्र भाई। और अभी दोस्तों हमारे भाई लोग आने वाले हैं, क्योंकि दिन में घर में लाइट नहीं है तो सारे यहाँ पर इकट्ठे होंगे और अच्छे से इंजॉय करेंगे, बातें बूते करेंगे, मस्ती करेंगे। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी जगह मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको लग रहा होगा। इसके साथ दोस्तों मैं आपको इसके साथ वाली एक गुफा नीचे है, बहुत ही बड़ी गुफा जो इससे भी दो गुनी है, वो दिखाता हूँ दोस्तों। दोस्तों मैंने आपको अभी ये वाली गुफा दिखाई थी, ऊपर वाली आप पीछे देख पा रहे हैं। अब मैं आपको आगे गुफा में ले जाता हूँ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, यह भी बहुत ही खतरनाक गुफा है और बहुत ही बड़ी गुफा दोस्तों है। आप देख सकते हैं नेचुरल की देन आप मान सकते हैं जिसको, और साथ में ऊपर से जो पानी टपकता है इससे जो है बहुत ही ठंडा यहाँ रहता है। चलिए दोस्तों अंदर चलते हैं। दोस्तों ऐसी कुछ बाहर से यह गुफा दिखती है। और दोस्तों कई बार ऐसा होता था कि बैल पशु जितनी भी खेचर वगैरह होती थी तो इसके अंदर उनको बांधा जाता था। और दोस्तों यह भी देखने में बहुत, ये थोड़ी ओपन गुफा है दोस्तों, यहाँ पर नेचुरल लाइट जो है ज़्यादा है। और ऊपर वाली गुफा दोस्तों बहुत ही डरावनी गुफा है, और हम भी थोड़ा रिस्क भरा लेते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों बाहर का व्यू कुछ ऐसा है, बहुत ही बड़ी गुफा है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ हमारे गांव में एकमात्र ऐसी देखने वाली जगह है और अनोखी जगह आप इसको मान सकते हैं। मुझे लगता है आपने भी देख के आपके थोड़े होश उड़ गए होंगे कि हम इतने खतरनाक वाले जगह में रहते हैं और इतने अंदर जा के हम सोते हैं। तो दोस्तों ये हमारे लिए एक गॉड गिफ्ट हम बोल सकते हैं, प्रकृति की यह हमारे लिए देन है, हम इसको खुश नसीबी मानते हैं। हमारे गाँव के साथ ही गाँव में ही है। तो दोस्तों गर्मी होती है तो हम आराम से आ जाते हैं, शटडाउन होता है तब भी हम यहाँ पर आ सकते हैं और दिन अच्छे से काट लेते हैं। जितने भी हमारी न्यू जनरेशन है, पहले हमारे जो है बुज़ुर्ग, हमारे पिताजी वगैरह वहाँ भी यहाँ पर आते थे। अब ऐसे ही शायद हमारे बच्चे वगैरह होंगे, वो भी यहाँ पर इंजॉय करने आएंगे। दोस्तों यह नहीं है कि यहाँ पर कोई गलत काम होता है, ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों यह मेरा मोटिव ये था कि जस्ट आपको दिखाना था कि यहाँ पर भी जो है कितनी अच्छी जगह है। एक ख़ास बात दोस्तों यह है कि पूरे हटवाल अभी लॉकडाउन में जितना भी हम जो है यहाँ पर मस्ती की, बहुत ही ज़्यादा मस्ती की, गर्मी के दिन जो है पूरा गांव हमारा जितने भी बच्चे होते हैं सारे जो है इस यहाँ पर आते हैं और इंजॉय करते हैं और खेलते हैं, बहुत ही अच्छे से जो है रेस्ट करते हैं और हंसी मजाक जो भी होता है। तो दोस्तों आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और डरावनी लगी होगी। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बता सकते हैं, अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं कि हमें ऐसी जगह पर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए दोस्तों। तो आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी दोस्तों, अच्छी लगी हो तो वीडियो को दोस्तों लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों आपका सपोर्ट रहेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मेरी अच्छी से अच्छी मैं आपके सामने वीडियो लाऊँगा। और दोस्तों मिलते हैं फिर ऐसे ही नए ब्लॉग के साथ, तब तक सुरक्षित रहिए। टाटा बाय बाय।